ये बोलना अपने लिए बनाई थी बस चावल, और वो भी फ्राइड राइस, क्या बात है। और साथ में दही और आलू गोभी की सब्जी और रोटी। हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। दोस्तों दोपहर का टाइम है और सालू दोपहर का खाना बना रही है, कसम से रोटी बना रही है सच्ची में, और आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्या बात है। आज तूने रेड ड्रेस पहन रखे है, मेरी फेवरेट ड्रेस ये दोस्तों, मेरी फेवरेट ड्रेस है ये, मैंने दिलाया था इसको पिछले साल, गर्मियों के ड्रेस बड़ी खूबसूरत लग रही है सच्ची में, थैंक क्या बात है। काजल भी लगा रखी है, यू। मना है लगाना? तो काजल लगा लिया कर, हम कहाँ बोले नहीं लगाने के लिए, काजल में खूबसूरत लगती है। निश्चल मेरे को ये बता, तो 3 बजे तेरी ट्यूशन है और तू 1:30 बजे क्यों बोल रहा है जाने के लिए? है अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं, ठीक है ना? जा रहा हूँ अभी, मैं सोने जा रहा हूँ अभी मैं। सोने जा रहा है? अभी तो बोल रहा था ट्यूशन जाना, पापा टाइम कितना हो रहा अरे है? सॉरी, जाऊँ दो घंटा सोऊंगा, फिर ट्यूशन जाऊंगा। 2 घंटा सोएगा फिर जाएगा ट्यूशन? झूठ तो बोला मत कर तू, ठीक है ना? कल ऐसे इतने झूठ बोला, चॉकलेट ला दिया तेरे लिए मैंने, 2 चॉकलेट वाली बिस्कुट, और ट्यूशन में लेके आया था 5 मार्क्स ट्यूशन के टेस्ट में। दोपहर का खाना आ गया निश्चल के लिए, और दोपहर के खाने में है आलू गोभी की सब्जी और रोटी और रायता। निश्चल को रायता बहुत पसंद है निश्चल? जीरा का रायता। जीरा रायता है ये, क्या बात है, निश्चल को बहुत ज्यादा पसंद है, क्या बात है। आज तो ना लंच में चावल, हमें तो तू बता ही नहीं चावल बनाई है। क्यों, हमें अच्छी नहीं लगती चावल? अगर तू हमें चावल देती लंच में तो हम खाते नहीं। ये बोलना अपने लिए बनाई थी बस चावल, और वो भी फ्राइड राइस, क्या बात है। और साथ में दही और आलू गोभी की सब्जी और रोटी। ओए होए, कसम से बड़ी अच्छी सब्जी बनाई तूने आलू गोभी की आज। हाँ निश्चल जा रहा ट्यूशन, और निश्चल का देखो मेरी टोपी ले लिया है कैप, और बोला पापा अपनी कैप दे दो, आपकी कैप बहुत अच्छी है। तो निश्चल ना मेरी कैप पहन के जा रहा ट्यूशन। निश्चल तूने होमवर्क कर लिया अपना ट्यूशन का? सारा होमवर्क कर लिया? कंप्लीट हो गया तेरा होमवर्क? निश्चल बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अभी इसके फ्रेंड आने वाले हैं इसको बुलाने के लिए ट्यूशन के लिए, तो निश्चल तैयार हो गया ट्यूशन जाने के लिए, है निश्चल? निश्चल दोस्तों ट्यूशन से आ गया है, और निश्चल बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि कल बस इसको ट्यूशन जाना है, फिर उसके बाद 2 दिन की होली की छुट्टी है इसकी ट्यूशन की। एक छोटी होली एक बड़ी होली, अभी तू 2 दिन के लिए बोल रहा है, फिर तू 3 दिन के लिए बोल रहा है। अच्छा है, 3 दिन के लिए तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन की छुट्टी है तेरी। बहुत ज्यादा खुश है निश्चल, बोला है पापा आप 3 दिन की छुट्टी है, बस कल जाना है मेरे को ट्यूशन। शाम के 4:30 बज रहे हैं दोस्तों, मैं भी अभी दूध लेके आया था, नहीं तो मैं 5:30 बजे जाता था दूध लेने के लिए। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कसम से बहुत ज्यादा धूप हो रही है। मैंने बोला था सालू पार्क चलेगी, बोल रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी आज पार्क, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग पार्क नहीं जा रहे। और निश्चल बोल रहा था कि पापा जल्दी से ना दूध और ब्रेड लेके आओ, क्योंकि मेरे को सैंडविच खानी है, तो मैंने ब्रेड भी लेके आया निश्चल के लिए। निश्चल बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि बोला पापा थैंक यू, आज मेरे लिए ना आप सैंडविच के लिए ब्रेड लेके आए हो। निश्चल को सैंडविच बहुत पसंद है ना निश्चल? हमें ये तो बता दे टीवी बाद में देख लियो, ठीक है ना? पहले जो चाय पिए ना, ये जो कप को ना पहले किचन में तो रख दे, रख ली ना आपको क्या इतना भी पता? नहीं पता कि चाय पी के किचन में रखते हैं कप को? आपको पता है तो आपने क्यों रखा अपना कप, आप भी रख देते। हमें क्या पता था, खुद तो मेरी प्लेट में रख दिया, अपना तो रखा नहीं है। तुम ही तो बोल रहे थे दिखाओ कप, अब आपने चाय पी ली है, मैं ले जाती हूँ किचन में, और अभी टीवी देखने में लग गए तुम। मैंने बोला था, और क्या, और किसने बोला था? हमने बोला था। शाम के 5 बज रहे हैं और निश्चल ट्यूशन का होमवर्क कर रहा है, बोल रहा है कि पापा जल्दी से अपना ट्यूशन का होमवर्क कर लेता हूँ, क्योंकि ना फिर ना मेरे को ना चॉकलेट ला के दोगे। मैंने बोला तू कितना भी जल्दी कर ले ट्यूशन का होमवर्क, अब तेरे को चॉकलेट मिलेगा नहीं, तेरे को खाना नहीं है चॉकलेट अब, तो फिर तू बोल क्यों रहा था अभी चॉकलेट लेके आने के लिए? कल तेरा ट्यूशन 12 बजे का है? 3 बजे का ट्यूशन नहीं है? तेरी मम्मी तो बोली 3 बजे का ट्यूशन है कल तेरी, झूठ बोल रही मम्मी। सालू मुझे ये बता निश्चल का कल ट्यूशन 12 बजे से है कि 3 बजे से है? उसका 12 बजे से। तो
तो अभी तू मेरे को कैसे बोल रही है कि 3 बजे से निश्चल का ट्यूशन? अरे मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गया, 3 बजे जाता था ना रोज, 12 बजे से। अभी बोल रहा है कि मम्मी बोल रही है कि मेरा 12 बजे से है ट्यूशन। तो 12 बजे से ही है इसकी टीचर। तो अभी तू मेरे को तो बोल रही थी कि 3 बजे से है ट्यूशन। अरे वो ये दिमाग से निकल गया, 3 बजे जाता है ना रोज, इसीलिए मुझे लगा 3 बजे जाना है, इसलिए मैं आपको 3 बजे बोला। झूठ तो बोला मत कर तू। ले तो मैं भी झूठ बोलूंगी वरना। हैं? मैं की झूठ बोल, झूठ क्यों बोल रही है? दोस्तों मैं तो वेट लॉस कर लिया 15 किलो, कसम से दोस्तों, अब मैं पतला हो गया। पहले मेरा वजन था 100 किलो और अब है 85 किलो, कसम से दोस्तों, सच्ची में कसम से दोस्तों, वेट लॉस कर लिया, बहुत ज्यादा वजन हो गया था। सालू ने मेरे को चैलेंज दिया था कि आप अपना वेट लॉस नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने दिखा दिया सालू को कि मैंने 15 किलो वजन कम कर लिया है, सच्ची में दोस्तों। शाम के 6 बज रहे हैं और तू मेकअप क्यों कर रही है शाम के 6 बजे? देख लो, पहले मेकअप कर रही कि बाल कमी कर दूं? मेरे को लग रहा है कि मेकअप कर रही है तू, हैं? मेकअप नहीं कर, किसकी शादी में जा रही है? आप ही की शादी में जा रही, चलो। मेरी शादी में? और क्या? पहले मेरे को ये बता, शाम के 6 बजे मेकअप कौन करता है? सब करते हैं। तू तो 4 बजे करती थी मेकअप पार्क जाने से पहले, आज तो तू पार्क गई नहीं, आज तो तू पार्क गई नहीं, फिर मेकअप कैसे कर रही है? और क्या? ठीक है दोस्तों, परसों होली है और दोस्तों मैं हमेशा होली में मम्मी पापा के पास जाता था, लेकिन दोस्तों इस बार हम लोग होली सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर्ड हो गई थी 26 जनवरी को। और दोस्तों इस बार मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, हमेशा मैं जाता था मम्मी के घर तो मम्मी बहुत रेसिपी बनाती थी, यानी पनीर बनाती थी और मालपुआ बनाती थी और गुजिया बनाती थी, वो सब याद आ रहा है। तो निश्चल बोल रहा था मेरे को मॉर्निंग में कि पापा इस बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैंने बोला बेटा इस बार तो दादी ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। क्या बात है, मेकअप करके आ गई, बड़ी खूबसूरत लग रही है आज तो। मैंने मेकअप किया ही नहीं है। तो मेकअप नहीं करी थी, क्या कर रही थी तू? बाल बांधने गई थी मैं, ठीक है, मेकअप करने नहीं गई थी। अच्छा, तो फिर से काजल कैसे लगे आंखों में? फिर से थोड़ी लगाई, सुबह का ही लगा हुआ है। तो दिन में 2 बार काजल लगाती है, जब भी लगाती है काजल तो ठीक है ना? प्रॉब्लम है, हमें तो अच्छी लगती है, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बस चुप रहो, खूबसूरत दिखती है, काजल लगाया कर हर रोज, देख मुस्कुरा गई, ऐसी मुस्कुराती ना हमेशा, मुस्कुराती कभी कभार तो गुस्सा करती है, हमेशा मुस्कुराना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए। ओके थैंक्स दोस्तों।